தமிழ் மே கஹவத் தனக்கென்று சொல்வர்கள் தக்க வைத்துக் கொள்வதில்லை, தக்க வைத்து சொல்வர்கள் தனக்கென்று சொல்வதில்லை. அதனால் இஸ்கா மீனிங் ஏ கி ஜோ போல்தானே ஏ மீரா 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 இனோ ஏலடிக்கு மீறி இனோ ஏ மீரா வாய்ஃப் ஃப்ரெண்ட் மீரா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஜோ பி உஸ்கா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கரத்தே ரே தானா லோகோ கோ திகானே கே லியே ஜாதா தின் டிக்தா நீ जो ज़िंदगी भर रखना चाहते हैं ना रख सकते हैं, वो सब पावरफुल है ना, वो किसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं कि ये मेरा लड़का है या मेरा लड़की है, ऐसा नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा गर्लफ्रेंड है मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं करते हैं। दम अंदर होना चाहिए ओके लोगों को दिखाने में एडवर्टाइजमेंट करने में नहीं होना चाहिए। तो उसमें ये क्या होता है कि जो हमेशा के लिए अपने पास रख सकता ना ताकत है ना उसके पास, वो किसी को बोलेगा नहीं कि ये मेरा है मेरा है मेरा है ओके। और जिसके पास ताकत नहीं है ना हमेशा एडवर्टाइजमेंट करते रहता है मेरा है मेरा है मेरा है, वो कभी भी निकल सकता है। बहुत सारे आपने मूवी भी देखा होगा, हीरो एकदम जम रहता है, किसी को बताता नहीं है क्या है वगैरह, थोड़ा सा आके बोलता है हाँ ये मेरी है मेरे से शादी करने वाला और टूट जाता है, लास्ट में हीरो के साथ ही शादी होता है राइट। सो रिलेशनशिप में आपके अंदर का जो रिलेशन आपके अंदर जो रिलेशन है अंडरस्टैंडिंग है वो पावर है कॉन्फिडेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन एडवर्टाइजमेंट। कुछ लोग शादी का फायदा उठा के इसको हड़प लेते हैं, अरेंज मैरिज पकड़ के पकड़ ले इसको तो फिर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी होता है। लेकिन एक्चुअल लव में चैलेंजिंग होता है राइट, पसंद आना एक्सेप्ट करना सब होता है राइट। थैंक यू।